गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट फर्दर अबाउट हीट चैप्टर. राइट, इन लास्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट इफेक्ट ऑफ हीट, मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. राइट, इट वॉज एक्सप्लेन्ड दैट यस इट एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग. लिक्विड as we have discussed earlier about thermometer, mercury based thermometer, in which mercury was used in the thermometer when mercury was temperature was more temperature was there, then mercury expand, and when it expand then we got the reading of a thermometer. Gases also, gases expand on heating. And this is the one of the example is hot air balloon. When hot air, it expand in a volume, right? So that is why this hot air balloon, they blow up. So these are all about thermal expansion, right? So all metals, liquid, gases, they all expand. So there are some practical application also of thermal expansion. These are like we normally we don't pour hot water or too much hot water or liquid in a glass jar. Why? Because it crack. Why it crack? It crack because क्या होता है जब जार में आप दूध, जैसे बहुत गर्म दूध है उसको आपने जार में डाल दिया, तो जो ग्लास का जो अपर सरफेस है वो it will expand. It will expand on the due to the temperature increase by a hot milk, right? But उसका जो glass का जो नीचे वाला जो portion है, जो नीचे वाली जो layer है, वो इतनी जल्दी expand नहीं हो पाती, because glass is not a very good conductor of heat. So due to that, उसका upper surface जो है वो expand होता है, नीचे वाला surface expand नहीं होता. Due to that, crack अकर, राइट, जिसके कारण जो है वो ग्लास का जार टूट जाता है. राइट, नॉर्मली यू हैव सीन इन रेलवे ट्रैक देर इज ऑलवेज अ स्पेस बिटवीन द टू जॉइंट. राइट, देर इज ऑलवेज अ स्पेस, स्पेस रहता है हमेशा रेल ट्रैक में. वो इसलिए स्पेस रहता है सो दैट जब समर में जो है जब टेम्परेचर हाई होता है तो एट दैट टाइम दीज रेलवे ट्रैक दे एक्सपेंड. Why they expand? Because they are made up of metal. They are made up of metal, iron, right? So they expand. So just to avoid, just to give space for their expansion, there is always a space between the inner joint, right? Now then, केबल वायर आपने देखा, खंभों पर जो है, जो बड़े बड़े आपने खंभे देखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उनके बीच में जो वायर्स हैं वो बहुत ही टाइट नहीं होती, थोड़ी लूज रहती हैं. वो लूज इसलिए रहती हैं कि जब समर में विंटर में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो एट दैट टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी वायर्स, बिकॉज वायर आर मेड अप ऑफ मेटल ओनली, सो दे कॉन्ट्रैक्ट. बट व्हेन दे कॉन्ट्रैक्ट दे नीड सम लूज, अगर वायर लूज नहीं होंगी और टाइट होंगी तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो टूट जाएंगी वायर. सो दैट इज वाई दे वर कैप्ट लूज. राइट, now how this heat got transfer, we should know that how this heat got transfer. Right, hame ye to pata chal gaya ki ha theek hai, heat jo hai aapne ek garam aapne spoon hai, spoon ko aapne jo hai ek end jo hai aapne burner pe laga ke rakha tha, to dusra end jo hai aapko garam mehsoos hoga. Right, it means it is heat is transferring from one end to another end. Right, aur agar aapne suppose aap अपने एक पानी का जार लिया हुआ है, एक भगोना लिया, भगोने के अंदर आपने पानी डाल के गर्म कर रहे हैं, तो आप जो है पानी के ऊपर जो है पानी पे टच करोगे तो देन यू विल फील कि हाँ पानी गर्म हो रहा है. जबकि जो बर्नर जो है वो मेटल जो आपका जो मेटल का बना हुआ जो जार है उसको गर्म कर रहा है. तो हाउ दिस हीट गो ट्रांसफर टू वाटर. राइट, सो देर आर three different ways in which heat got transfer. Right, now
हाउ इट गोट ट्रांसफर बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी दिस हीट गोट ट्रांसफर. आपने जो है कभी गर्म दूध को ठंडा किया है? यस यू यूज टू डू. आप क्या करते हो, या तो आप उस गर्म दूध को जो है एक बड़े वाले जो है यूटेंसिल में जो है रख दोगे, ठीक है, या फिर आप गर्म दूध के ग्लास को जो है आप पानी में रख देते हो, राइट. देन आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट दैट हॉट मिल्क बिकम वॉर्म, राइट, और इट बिकम टेम्परेचर बिकम नॉर्मल एंड यू कैन ड्रिंक दैट हॉट मिल्क, दैट मिल्क, राइट. लेकिन जिस पानी में आपने उस हॉट मिल्क को रखा है, उस ग्लास को, आपको महसूस होगा वो पानी जो है वो पानी का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया है, राइट. इट मीन्स दैट द हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, राइट. सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैविंग हाई टेम्परेचर टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट हैविंग लोअर टेम्परेचर एंड इट विल कीप ऑन गोइंग. ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि जो है द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी बिकम इक्वल, राइट. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. दिस कंटिन्यू टिल बोथ द ऑब्जेक्ट अटेन अ कॉमन टेम्परेचर. इन दिस स्टेट दे आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द कॉमन टेम्परेचर अटेन्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, राइट. सो दे द हीट कीप ऑन ट्रांसफरिंग फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट टिल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी हॉट एंड कोल्ड बॉडी बिकम इक्वल, राइट. नाउ देर आर थ्री मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. फर्स्ट कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन, राइट. वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्शन. हम कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे पहले. सबसे पहले बिफोर गोइंग टू डिस्कस कंडक्शन लेट अस टेक एन एग्जांपल. दिस इज अ मेटल रोड. ऑन दिस मेटल रोड वी हैव स्टिक सम नेल्स विद वैक्स. वैक्स से जो है हमने नेल जो चिपका दी है इस मेटल रोड पे, और हमने इस मेटल रोड को एक एंड पे जो है हमने इसको जो है हीट करना शुरू किया विद कैंडल और विद बर्नर, विच एवर वे. You will find that first the one which is near to this burner or near to candle it will come down. Why it will come down? Because जिस wax से हमने इसको चिपकाया था वो wax जो है it started melting. तो wax जो पिघलना शुरू करेगा तो वो first वाला drop होगा. Then after some time second drop होगा. After some time third, then fourth, then fifth, then sixth. और ऐसे ऐसे करके सारी जो है एक एक करके जो है सारी जो है nails जो है वो नीचे drop हो जाएंगी. It means what? Means कि ये पोर्शन सबसे पहले हीट हुआ, फिर ये पोर्शन हीट हुआ, और ऐसे ऐसे हीट होता होता जो है ये पूरी रोड हीट होती चली गई. मीन्स हीट इज मूविंग इन दिस वे, राइट. हीट जो है इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है बिकॉज वन एंड इज बींग सब्जेक्टेड टू कैंडल हीट और बर्नर. सो हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, राइट. बट इन दिस There is no transfer of material. Road तो same है, road का कोई portion change नहीं हुआ. So transfer of metal is transfer of substance is not there, right? No movement of substance is there. Only heat is transferring, right? Heat is transferring in a metal rod. So this kind of transfer of heat is called conduction, where there is no एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. पार्टिकल कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई सब्सटेंस कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ है, बट हीट इज ट्रांसफरिंग, राइट. दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कंडक्शन, राइट. द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन हॉटर एंड, टू द कोल्डर एंड इज कॉल्ड कंडक्शन. दिस इज अ कोल्डर एंड, सो दिस इज अ हॉटर एंड, सो इट हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट, दिस वे. ओके, द कंडक्शन ऑफ हीट टेक प्लेस विदाउट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट. विदाउट द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हीट इज ट्रांसफरिंग बिकॉज देयर इज नो पार्टिकल ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट. रोड इज सेम, थिकनेस इज सेम, राइट. सो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. कंडक्शन ऑफ हीट ऑल्सो टेक प्लेस वेन टू बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट इन केस ऑफ द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, राइट.
मीन्स अगर आप दो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर आप वो जो है इफ दे आर इन टच विद ईच अदर देन दिस कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट राइट दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर आई विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर. कंडक्टर मीन्स दोज विच कैन ट्रांसफर हीट through which heat can be transferred, right? See, in this experiment, this rod become hot with the time, right? Even this end of rod will also become hot, right? When after some time, when we have one end is heated up with flame of candle or burner, then another end, it will heat up. But do bricks, these brick heat, get heat? No. दे विल नॉट गेट हीट राइट दे विल नॉट हीट अप. ये ब्रिक्स जो हैं ईट जो है वो गर्म नहीं होंगी राइट ओके. आप कंक्रीट है कंक्रीट गर्म नहीं होता राइट. सो दिस इज द मेटल इज कॉल्ड कंडक्टर बिकॉज जिसके अंदर से हीट ट्रांसफर हो रही है दैट इज कॉल्ड कंडक्टर और जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. सो here this is an activity in this activity there are so many things were required a beaker of hot water ek beaker jisme hot water ho aur uske andar aap ek metal wire rakh do ek pencil rakh do ek plastic scale rakh do ek metal spoon rakh do glass stirrer rakh do ek wooden spoon rakh do us beaker of hot water us hot water ke andar aap बहुत सारी चीजें रख सकते हो जैसे पेंसिल स्केल कुछ भी आप रख सकते हो एंड यू विल फील दैट इनमें से कुछ तो गर्म हो गए कुछ गर्म बिल्कुल नहीं हुए तो जो गर्म हो गए हैं इट मींस हॉट वाटर से उस सब्सटेंस में जो है हीट ट्रांसफर हुई है लाइक आपका जो है मेटलिक वायर जो वायर गर्म हो जाए बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट राइट. आपका मेटलिक स्पून है स्पून भी गर्म हो जाएगा लेकिन आपका जो है पेंसिल गर्म नहीं होगी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वुड एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट. प्लास्टिक स्केल है वो भी गर्म नहीं होगा. वुडन स्पून है वो भी गर्म नहीं होगा. सो दीज आर ऑल इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट राइट. सो द सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट आर कॉल्ड कंडक्टर राइट और थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड कंडक्टर. मेटल वेसल आर जनरली प्रोवाइडेड विद वुडन हैंडल. आपने जो है जितने भी आपने यूटेंसिल्स या आपने किचन वेयर देखे होंगे उसमें आपको दिख रहा होगा जो मेटल्स के जितने भी सब्सटेंस हैं उनके जो हैंडल है दैट इज मेड अप ऑफ आइदर प्लास्टिक और वुडन राइट बिकॉज प्लास्टिक एंड वुडन दे बोथ आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट राइट. सो टू हैंडल टू होल्ड द मेटल सब्सटेंस मेटल यूटेंसिल हॉट मेटल यूटेंसिल यू नीड अ हैंडल विच इज ए बैड कनेक्टर ऑफ हीट. सो द वुडन हैंडल डू नॉट गेट हॉट व्हेन द वेसल्स आर हीटेड राइट. जब वेसल्स हीट होते हैं तो वो हीट नहीं होता बिकॉज दिस वुडन हैंडल इज बैड कनेक्टर ऑफ हीट राइट. This shows that wood does not conduct heat and such substance that do not conduct heat are poor conductor of heat and are called insulator, right? Air and water are also poor conductor of heat. Air and water. See, air is a poor conductor of heat. Even water is also poor conductor of heat. This activity shows that water is a poor conductor of heat. How? It filled one test tube with water and put some wax in it right. He put some wax in it and he started heating up the upper portion of test tube right. So upper portion of test tube means water heats up and water moves up but this lower portion of water will not get heat because heat will not transfer from this portion to this portion because water is a bad conductor of heat. So agar water ke through agar heat ट्रांसफर नहीं हुई है तो ये जो वैक्स है वैक्स इट विल नॉट मेल्ट डाउन वैक्स विल नॉट मेल्ट डाउन राइट. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर इज अ बैड कनेक्टर ऑफ हीट राइट. नाउ
ब्रिक्स मड कंक्रीट दे ऑल आर इंसुलेटर, दे ऑल आर बैड कनेक्टर ऑफ हीट, राइट। एंड व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक एस्बेस्टस। लाइक जो आपने जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेट्रोल केरोसिन, इनके जो आपने टैंकर देखे हैं, उस टैंकर जो है दे आर स्पेशली मेड अप ऑफ मेटल, बट इनसाइड इट देयर इज अ कोटिंग ऑफ एस्बेस्टस सो दैट इट विल नॉट गेट हीट अप, इट विल नॉट गेट हीट अप। एंड अगर जो है ज़्यादा हीट मिल गई है अगर जो है पेट्रोल को, डीजल को, केरोसिन को, देन दे विल स्टार्ट बर्निंग। सो टू अवॉइड दैट, नाउ वूल इज वार्म इन विंटर, राइट। एज द पोर्स इन वूल ट्रैप एयर विच इज बैड कनेक्टर ऑफ हीट सो कीप अस वार्म। होता क्या है, जो वूल होती है, वूलन जो हम कपड़े पहनते हैं, दे आर हैवी, दे आर दे ट्रैप एयर इनसाइड इट, बिकॉज वो जो है वो फ्लफी फ्लफी से होते हैं, तो उनके अंदर एयर ट्रैप होती है। एयर ट्रैप होती है मीन्स व्हेन वी वेयर वूलन, इट मीन्स एयर इज ट्रैप अराउंड अस थ्रू दिस वूलन क्लॉथ्स, राइट। एंड ड्यू टू दैट द एयर दैट वॉज ट्रैप अराउंड अस, एयर बींग अ बैड कनेक्टर ऑफ हीट, सो इट विल नॉट ट्रांसफर आवर बॉडी हीट आउटसाइड, राइट। इट विल नॉट ट्रांसफर आवर बॉडी हीट आउटसाइड एंड वी विल फील वॉर्म, राइट। नाउ सेकेंड मेथड इज कन्वेक्शन, राइट। वट इज कन्वेक्शन? आपने कभी पानी गर्म होते हुए देखा होगा सभी ने, राइट। होता क्या, पानी गर्म होता है तो उसमें जो पानी गर्म होता है तो उसके लोअर बॉटम से जो है बबल्स ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, राइट। बबल्स लोअर बॉटम से बबल ऊपर उठते हैं, इट मींस क्या है कि जो वाटर लोअर पोर्शन पर होता है वो हीट अप होता है ड्यू टू बर्नर हीट, और वो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, और वो जो है वो बबल ऊपर जाता है। तो इन दैट जो कोल्ड वाटर है अपर साइड पर वो इट विल कम डाउन, सो दे विल मेक अ इंटरनल सर्कुलर करंट, राइट। कोल्ड वाटर विल मूव डाउन, हॉट वाटर विल मूव अप, सो देर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, देर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। वाटर मूव हो रहा है अपर लोअर में, जो वाटर जो हीट हो गया वो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आ रहा है, राइट। सो देर इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट। सो दिस काइंड ऑफ दिस मेथड और दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन, इन विच पार्टिकल्स आर मूव्ड, राइट। सो अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच देर इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस बींग हीटेड इज कॉल्ड कन्वेक्शन, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, राइट। दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर अकर इन फ्लूइड सच एज लिक्विड एंड गैस, राइट। नॉर्मली कंडक्शन इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एंड इन लिक्विड एंड गैस, दिस कन्वेक्शन मेथड इज नॉर्मली जनरली यूज, राइट। बिकॉज हीट व्हेन लिक्विड एंड गैसेज व्हेन दे वर हीट अप देन दे विल स्टार्ट मूविंग, बट सॉलिड इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक सो दे विल नॉट मूव, राइट। सो इन सॉलिड द हीट ट्रांसफर इज नॉर्मली कंडक्शन एंड इन लिक्विड एंड गैसेज द हीट कन्वर्ट इज नॉर्मली कन्वेक्शन, राइट। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन, वेंटिलेटर्स आर, आपने कभी देखा वेंटिलेटर जो है वो हाइट पर रहते हैं जबकि विंडोज जो है वो कम हाइट पर रहती हैं। होता क्या है, जब आपके रूम में क्या है, जब एयर हॉट होती है तो एयर विल मूव अप, सो हॉट एयर विल मूव आउट ऑफ वेंटिलेटर्स, दैट इज वेंटिलेटर आर पुट ऑन द अपर पोर्शन ऑफ रूम्स, राइट। सो एंड फ्रॉम विंडो कोल्ड एयर कम इनसाइड एंड हॉट एयर मूव अप एंड मूव आउट फ्रॉम वेंटिलेटर्स, राइट। सेम फॉर लैंड एंड सी ब्रिजेस में क्या होता है,
सी फिगर 4.8 इन 4.8 दिस हैपेंड इन कोस्टल एरियाज ओनली लाइक दिस इज अ लैंड एंड दिस इज वाटर राइट. सो व्हाट हैपन इज इन केस ऑफ डे टाइम इन केस ऑफ डे टाइम लैंड हीट्स अप मोर क्विकली एज कंपेयर टू वाटर राइट. लैंड जो है वो जो सैंड है वो जल्दी हीट अप होती है एज कंपेयर टू वाटर सी. तो जब लैंड पर जो एयर है इट विल हीट अप सो इट विल मूव अप एंड व्हेन इट विल मूव अप देन द एयर विच आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर इन सी दे विल मूव टुवर्ड लैंड बिकॉज दे आर कोल्डर. सो दे विल मूव टुवर्ड लैंड देन दे विल हीट अप दे विल मूव अप. सो दिस इज अ सर्कुलर पाथ. हॉट एयर मूव्स अप एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी इट विल मूव टुवर्ड लैंड. दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज. दिस इज ड्यूरिंग डे टाइम. डे टाइम व्हाट हैपन ड्यूरिंग नाइट टाइम दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. ड्यूरिंग लैंड नाइट टाइम वॉटर इट विल कूल डाउन स्लोली एज कंपेयर टू सैंड. सैंड जो है जो लैंड है वो जल्दी कूल होता है एज कंपेयर टू वॉटर. सो व्हाट लैंड जो है लैंड और सैंड दे विल कूल फास्ट एंड दे विल हॉट हीट अप फास्ट राइट. जो सैंड और लैंड होते हैं वो जो है वो जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पर जो है जो ये जो सैंड है वो हीट अप भी जल्दी होता है और जो है कूल भी जल्दी होता है. तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग नाइट व्हेन सन इज नॉट देयर एट दैट टाइम लैंड विल कूल डाउन फास्ट एज कंपेयर टू वाटर. सो व्हेन लैंड विल कूल डाउन फास्ट देन वाटर रिमेन हॉट. सो एट दैट टाइम द एयर विच आर इन टच विद और अराउंड ऑन सी लेवल इट विल हीट अप इट विल मूव अप एंड द एयर विच आर इन कॉन्टेक्ट विद लैंड दे विल कूल डाउन. सो द कूल एयर विल मूव फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट. लैंड टू सी दिस इज लैंड इट विल मूव टूवर्ड सी एंड सी विंड्स दे विल मूव अप बिकॉज दे आर हॉट राइट. सो दिस इज द सर्कल. सो दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. दिस हैपन ड्यूरिंग नाइट टाइम. दिस इज द ट्रांसफर ऑफ हीट बिकॉज द पार्टिकल ऑफ एयर इट मूव्स राइट. सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन. एयर कंडीशन आर इंस्टॉल्ड ऑन ए यू कैन से नियर द रूफ. वाई बिकॉज दे विल गिव अस कोल्ड एयर. व्हेन दे विल गिव अस कोल्ड एयर द कोल्ड एयर बिकॉज कोल्ड एयर आर कूलर सो दे विल मूव डाउन. दे विल मूव डाउन राइट. एंड व्हेन दे मूव डाउन इट विल द हॉट एयर मूव्स अप. सो दिस सर्कुलेशन विल हेल्प टू मेक योर रूम कूल राइट. दिस इज वन एक्टिविटी विच वी विल डिस्कस आफ्टर रेडिएशन. नाउ द थर्ड पोर्शन इज इन बोथ ऑफ द हीट ट्रांसफर आइदर कंडक्शन और कन्वेक्शन. आपने दोनों ही में चेक किया होगा कि दोनों में जो है वी नीड अ मटेरियल राइट फॉर हीट टू ट्रांसफर राइट. एक में जो है पार्टिकल मूव करते हैं दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. एक में पार्टिकल मूव नहीं करते लेकिन उस पर्टिकुलर मीडियम उस पर्टिकुलर मेटल में तो जो है हीट ट्रांसफर हो रही है बिकॉज दैट मेटल इज अ मीडियम राइट. बट व्हाट विल हैपन व्हेन वी आर गेटिंग सनलाइट फ्रॉम सन. व्हेन सनलाइट इज गेटिंग वी आर गेटिंग फ्रॉम सन सो व्हेन सनरेज दे विल ट्रेवल इन स्पेस देयर इज नो मीडियम. व्हेन दे विल ट्रेवल इन स्पेस देयर इज नो मीडियम देयर इज अ वैक्यूम. सो दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हेन वेयर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड दिस इज कॉल्ड रेडिएशन. दिस इज कॉल्ड रेडिएशन एंड ऑल द हॉट ऑब्जेक्ट दे विल गिव्स अस हीट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ओनली. आपने हीटर देखा हो हीटर पे आपने देखा हो उसके पीछे जो एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है राइट. एंड द हीट वी गेट फ्रॉम हीटर इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन. एंड वो जो सिल्वर कोटिंग पीछे इस हीटर के पीछे की जाती है दैट इज जस्ट बिकॉज और शाइनी सरफेस किया जाता है दैट इज जस्ट बिकॉज सो दैट रेडिएशन विच विल स्ट्राइक टू दैट दैट पोर्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक टू रूम और टू यू राइट. सो द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन.
द हीट फ्रॉम सन रीचेस अस थ्रू द मेथड ऑफ रेडिएशन द अर्थ ऑब्जर्व सम ऑफ दिस हीट एंड गेट हीटेड राइट सो सनलाइट ट्रेवल्स इन स्पेस इन वैक्यूम एंड दिस इज दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड रेडिएशन राइट ऑल द ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्व हीट और एमिट हीट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन ओनली एंड डार्क कलर दे एब्जॉर्व मोर हीट दे एब्जॉर्व मोर हीट दिस एक्टिविटी विल टेल यू why how dark color absorb more heat and why we were told that we should wear dark colors in winter so that this dark color clothes they will absorb more sunlight and you'll get more warm feeling right here they are saying in this activity they are saying take two container paint one with white paint one with black and put it in a sunlight pour some water in it and note down the temperature after some time right say after half an hour you will feel the water in white container is having lesser temperature and the water in black container is having more temperature it means black container absorb more heat because of black color right application of radiation room heater has mirror or mirrors behind the heating coil that reflect heat radiated to the front as I explained you solar cooker have black metal sheet inside so that it will absorb more black more heat right we prefer cooking utensil which are blackened from outside right so that it will absorb more heat and cooking will be done in lesser time it will be done in faster way the back of refrigerator are colored dull black so that they will able to radiate heat in a better surrounding right now another one is preventing loss of heat using vacuum flux aapke paas thermos hai thermos aap water bottle aap leke aate hain right मार्केट से आप वाटर बॉटल लेके आते हैं थर्मस आप लेके आते हैं उसमें जो है क्या है कि आप हीट अगर आप ठंडा पानी रखते हैं तो वो ठंडा का ठंडा रहता है अगर आप गर्म पानी रखते हैं तो गर्म का गर्म रहता है और आप चाय के लिए भी यूज़ करते हैं चाय अगर आप लेके जानी है तो आप उस थर्मस में आप यूज इट राइट थर्मोफ्लैक्स इसको बोला जाता है ठीक है वाई बिकॉज उस पर्टिकुलर थर्मोफ्लैक्स के अंदर क्या होता है कि दो लेयर होती है प्लास्टिक की और दोनों लेयर के बीच में वैक्यूम होता है जो एयर बीच में होती है उस एयर को निकाल के उनको सील कर दिया जाता है राइट व्हेन इट गॉट सील्ड देन द वैक्यूम इज क्रिएटेड बिटवीन दीज बिटवीन टू लेयर राइट इट इज जस्ट लाइक दैट सो देयर आर दिस इज अ लेयर राइट in between these two layer this is vacuum right and we know that conduction and convection both require medium to transfer heat so the hot water or the hot tea which is inside this will not transfer heat from either conduction nor convection and for radiation here inside this portion inside portion it is make shiny silver coated or mirror finish so that it will reflect back the radiation inside right so that the hot water or the hot tea remain hot or cold right that is how thermoflex in thermoflex we will have either hot water will remain hot or cold water will remain cold right so with that your chapter heat chapter is over And now in next lecture we will discuss about the exercise part you go through the chapter read it well and then in next lecture we will discuss about exercise part I will provide you notes also for this this chapter right okay thank you student